हेलो व्यूअर्स आज हम लोग करेंगे जी के जी एस प्रीवियस ईयर एम सी क्यू सीरीज़ जो सभी वन डे कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा बी इट एस एस सी बैंकिंग रेलवे दिल्ली पुलिस स्टेट एग्जाम्स एट्सेट्रा सो लेट्स बिगिन द रेस ऑफ माय लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसका ऑटोबायोग्राफी है दत्तीचंद तिंटुलुका पी टी ऊषा या मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर है मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी है बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है आप लोग याद रखना दी स्पलिटिंग ऑफ व्हाइट कलर्स इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, स्केटरिंग या डिस्पर्शन तो स्प्लिट जब हो जाता है लाइट उसको कहा जाता है फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क एक्रिलिक नाइलॉन पॉलिएस्टर या रेन करेक्ट आंसर है रेन इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वमेन टू वीन ए पद्मश्री एवॉर्ड फॉर भारतनाट्यम भारतनाट्यम के लिए जिन्होंने पद्मश्री जीता है फर्स्ट ट्रांसजेंडर वमेन है नर्तकी नटराज मोहिनी अत्तम इसे क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश केरला तमिलनाडु या फिर असम तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारे टोटल एट क्लासिकल डांस है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने छाऊ को भी इंक्लूड किया जिससे नाइन माना जाता है बट टोटल एट लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल नाइन क्लासिकल डांस फॉर्म हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ फील्ड हॉकी टीम सेवन इलेवन फिफ्टीन या फिर नाइनटीन फील्ड हॉकी टीम जो है फील्ड हॉकी में टोटल इलेवन प्लेयर्स रहते हैं आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन वॉज पुड डाउन बाई ब्रिटिशर्स विच मुगल रूलर वॉज फर्स्ट टू लीव द कंट्री बहादुर शाह जफर फरोखशियार अहमद शाह बहादुर या मोहम्मद शाह हम सबको पता है बहादुर शाह जफर जो थे उन्हों उनको 1857 के रिवॉल्ट के बाद एग्जाइल में भेज दिया गया था अंदामान एंड निकोबार आइलैंड में जहाँ पे वो उनका डेथ हो गया द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय दी ऑप्शनस है चीफ मिनिस्टर ऑफ़ दैट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर किसी भी स्टेट का नियुक्त करते हैं फ्रीडम इन एक्साइल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला ए पीजे अब्दुल कलम दलाई लामा या फिर महात्मा गांधी फ्रीडम इन एक्साइल जो है वो दलाई लामा का ऑटोबायोग्राफी है टू विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दी हॉर्नबिल फेस्टिवल रिलेटेड हम सभी को पता है हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है जो दिसंबर के वन से टेंथ तक होता है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी का जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एम नरेगा जिसे कहा जाता है टू में कितने दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एक इंसान को या तो फिर एक घर के पर्टिकुलर इंसान को तो करेक्ट आंसर है हंड्रेड डेज के लिए मिनिमम एक साल में एम जी नरेगा के अंदर आपको जॉब मिलेगा कुछ ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी इन दाइस्ट क्वान्टिटी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जिसे कहा जाता है वो फॉलोइंग ऑप्शन में किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है डेढ़ स्वीट गुआा या फिर पीनट तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो गुवाबा में पाया जाता है हु एमोंग द फॉलोइंग लेट द बैटल ऑफ बक्सार ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख लेते हैं ऑप्शन चार्ल्स स्टॉर्ट रॉबर्ट क्लाइव हैक्टर मुंड्रो या फिर जॉन विलियम फोर्ट्सक्यू करेक्ट आंसर है हेक्टर मुंड्रो हैक्टर मुंड्रो ने नाइनटीन सिक्सटी फोर में बैटल ऑफ बक्सार लड़ा था एंड जीता भी था व्च विन आर ऑल्सो नोन बाई द नेम रोरिंग फोर्टिस पोलर ईस्टर्स वेस्टर्ली विंस पोलर विंस या ट्रेड विंडस रोरिंग फोर्टिस फ्यूरियस फिफ्टीज एंड सर्किंग सिक्सटीज़ जो है वो वेस्टर्ली विंड्स को कहा जाता है जो थर्टी टू सिक्सटी डिग्री लैटिट्यूड में ब्लो करता है तंजोर बाला सरस्वती वॉज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म बिहू भारतनाट्यम मणिपुरी या फिर ओडिशी। तंजोर बाला सरस्वती जो है वो भारतनाट्यम के लिए फेमस है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ज दी नॉन्क्रेम डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बिहार मध्य प्रदेश केरला या मेघालय नोंक्रेम डांस फेस्टिवल जो है वो मेघालय का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स वैसे भी एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप लोग याद रखना इन विच ईयर डिट शेर शाहिट हमायून एट कन्नौज फिफ्टीन फोर्टी वन या फिफ्टीन फोर्टी टू करेक्ट आंसर है फिफ्टीन जब शेरशाह ने हमायून को डिफीट किया था एंड हुमायून अपनी जान बजा भागे थे जिसके बाद उन्होंने फिर से अटैक 1545 में किया एंड इन ह्यूमन बींग्स द स्मॉल इंटस्टाइन इज कॉयल्ड एंड इज अबाउट डैश मीटर्स लॉन्ग वन टू वन पॉइंट फाइव थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव टू 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 पॉइंट फाइव या फिर सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव करेक्ट आंसर है सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव हमारा स्मॉल इंटस्टाइन सिक्स पॉइंट नाइन मीटर लॉन्ग रहता है बुद्ध अटेंड एंड एनलाइटमेंट एट वाराणसी बोधगया कुशीनारा ये कुशीनगर होना चाहिए था या फिर पटालीपुत्रा करेक्ट आंसर है बोध गया हम सभी को पता है बोध ट्री के अंडर में बैठ के बोध गया में जो प्रेजेंट डे यूपी में पड़ता है बुद्ध देव ने एनलाइटमेंट अटेन किया था व्च ऑफ द फॉलोइंग पेनेंसुलर रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन गोदावरी महानदी नर्मदा या कृष्णा तो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है फॉलोइंग ऑप्शन में से पेनेसुलर रिवर में वो है गोदावरी बहुत लोगों को पेनिनसुलर का मीनिंग नहीं पता होगा हमारा साउथ इंडिया जो है वो थ्री साइड में वाटर से कवर्ड है तो जो भी लैंड थ्री साइड में वाटर से कवर्ड होता है एंड वन साइड में लैंड से उसी को पेनिनसुलर एरिया कहा जाता है ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ वेयर पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट आंसर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें कुछ महीनों के लिए जॉब तो मिलता है लेकिन कुछ महीनों के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं लोग ये स्पेशली रूरल एरियाज़ में प्रीवेलेंट है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वास्को डोगा एपोर्टिग्यूस एक्सप्लोरर केम टू इंडिया इन डैश 1496, 1498, 1495 एंड 1497. करेक्ट आंसर है 1498. ये हम सभी ने पढ़ा है पहले तो हमें ऐसा पता था कि वास्को डंगामा ने इंडिया को डिस्कवर किया बट इंडिया पहले से ही था इन्होंने बस इंडिया में आने के लिए रोड डिस्कवर किया था जो आके कैलिकट में किंग्स जैमोरिन के वहाँ पे उतरे थे वट डज चैत्य इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रिफर टू बुद्धिस्ट रैली प्रेयर हॉल रेसिडेंस या मोनेस्ट्री चैत्य जो है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में गुफा के अंदर प्रेयर हॉल को कहा जाता हुई चोला रूलर बिल दी ब्रहदेश्वरा टेम्पल एट तंजोर बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो राजा राजा वन ने बिल्ड किया था ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग किए थे जो साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस एंड पावरफुल डायनेस्टी है रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में न्यू पार्लियामेंट हाउस में जो सिंगोल रखा गया है वो भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करता था हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वामेन टू विन द ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट वमेन जो थी इंडियन वामन वो थी तानवी शाह हाउ मेनी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा हैव बीन हेल्ड टिल अप्रैल 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू फोर थर्टीन सेवनटीन या टेन करेक्ट आंसर है सेवेंटीन अभी रिसेंट न्यूज़ uh, में है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जो है अपकमिंग इलेक्शंस होने वाला है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय दी स्टेट ऑफ मलक्का स्टेट ऑफ गिबलाटर पाक स्ट्रेट या बेरिंग स्ट्रेट करेक्ट आंसर है पाक स्ट्रेट ये श्रीलंका एंड इंडिया को सेपरेट करता है इन विच स्टेट दस दी तापी रिवर ओरिजिनेट महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश या कर्नाटका ता, तापी रिवर जो है वो मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म करंट लेब्रेडोर करंट फॉकलैंड करंट कनेरी करेंट या गल्फ स्ट्रीम करेक्ट आंसर है गल्फ स्ट्रीम बाकी ये तीनों हैं कोल्ड करेंट एंड यही है हॉट करेंट या फिर वार्म करेंट हुई भारतनाट्यम डांसर बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट डांसर टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 1991 हेमा मालिनी नर्थकी नटराज सरोज खान या अलरमिल वल्ली करेक्ट आंसर है अलरमिल वल्ली इनको 1991 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री दिया गया था मुक्तेश्वरा टेम्पल इस टेंथ सेंचुरी हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू तो लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन आसाम उड़ीसा महाराष्ट्र या गुजरात मुक्तेश्वरा टेम्पल जो है वो ओड़ीसा में लोकेटेड है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेम्बर्स टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज यूनियन टेरिटेज को मैक्सिमम ट्वेंटी लोग रिप्रेजेंट करते हैं विथ दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हेयर होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज डू कमेंट एंड थैंक यू